बहुलक, आपने औसत तथा माध्यिका को समझा। आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का एक और मापक बहुलक है। बहुलक प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण होता है। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा में कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक निम्नलिखित थे: 40, 25, 40, 35, 36, 45, 45, 40, 35, 39, 41, 42, 40, 25, 40, 42, 35, 38, 40। इन आंकड़ों में हम देखते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 6 है, यानी बहुलक 40 हुआ। आइए एक अन्य उदाहरण से बहुलक को समझें। उदाहरण 9। एक दुकानदार अपनी दुकान पर किसी विशेष कंपनी के 5 अलग अलग नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के जूते बेचता है। 3 महीने में हुई बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं। 3 महीने में दुकानदार ने देखा कि काफ़ी जूते बिक चुके हैं। अब दुकानदार को जूतों के खाली हुए स्टॉक को भरना है। क्या वह औसत या माध्यिका ज्ञात करके यह निर्णय ले पाएगा कि उसे कौन से नंबर के जूते जल्दी से जल्दी कंपनी से मंगवाने होंगे? यह हम औसत व माध्यिका से पता नहीं कर सकते। उसे उस माप के जूते मंगवाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिकते हो। उपरोक्त रिकॉर्ड को देखकर दुकानदार 8 नंबर के जूते कंपनी से मंगवाने का निर्णय लेता है। वह अन्य नंबर के जूतों के स्टॉक को उनके कम खरीदारों को देखते हुए कुछ समय के लिए टाल देता है। आप देख सकते हैं कि 8 नंबर के जूते की मांग सबसे अधिक है, क्योंकि इनकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है। अतः यहाँ बहुलक 8 है। करके देखें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला, 25, 9, 69, 34, 70, 36, 90, 70, 56, 70, 71। दूसरा, 56, 39, 36, 39, 15, 39, 40।